वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं अपना रूटीन जैसे कि स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि सुबह मुझे गर्म पानी लेना होता है एक गिलास, तो वही गर्म पानी मैं ले रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6:30 का। सुबह हल्की हल्की सी मतलब अंधेरा, हल्का हल्का सा, ये पूरी तरीके से उजाला भी नहीं हुआ है, पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना गर्म पानी ले लूँगी और उसके बाद मैं चाय वगैरह गर्म होने के लिए, मतलब चाय वगैरह बनने के लिए रख दूँगी, दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी बच्चों का। तब तक बच्चे उठ जाएंगे। अभी इसके अदिति को जाना है स्कूल, और उसके जैसे कि माता मैया निकली हुई है, आप सबको पता है, तो सब्ज़ी वगैरह तो बनेगी नहीं। बट देखती हूँ कुछ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ, कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से सुबह सुबह कितना सारा काम होता है। बट मैं सबसे पहले अपना काम करके छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे नन्नू और उसके पापा उठ चुके हैं। नन्नू को लेके आए हैं इसके पापा, तो अभी मैं इनके लिए चाय वगैरह जैसे कि ये छान के और निकाल दूँगी। अभी बनने के लिए रख दिए, जब तक बन जाएंगे ब्रश व्रश करेंगे तब तक। और इनको चाहिए गर्म पानी सुबह सुबह, मेरे हस्बैंड क्यों सबका गला गला ख़राब हो रहा है, तो उनको एक गिलास गर्म पानी चाहिए। उसके बाद गर्म पानी करके फिर उसके बाद में मैं अपना चाय वगैरह पीना करना या ब्रश करना वो सब कुछ स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले उनके लिए करूँगी गर्म पानी यहाँ पर। तो नन्नू को पकड़ा दिया मैंने वापस से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गर्म पानी करना है और चाय छाननी है, तो इसलिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने चाय बनके तो रेडी हो चुकी है। बट सुबह सुबह मुझे कमेंट्स करके बताना कि सभी के घर पे इतना ही काम होता है या किसी किसी के घर पे ये सब काम होता है। हो सकता है मेरे घर पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा काम होता है। वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का, और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बन रही है लौकी की सब्ज़ी। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। तो मेरे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, आप लोगों के लिए भी शायद हो सकता है, किसी किसी के लिए। तो यहाँ पे आपसे मैं वही बात करना चाहती हूँ जो मैंने सुबह बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, वही मैं आपको करना बात बताना चाही थी। पर तब तक रनु क्या रोने लग गई, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में वो बात बताऊँगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो बन आज का ब्लॉग है आपके लिए। और यहाँ पर मेरा खाना वगैरह मतलब बन के रेडी हो चुका है, अभी जस्ट खाना खाएँगे। नहा के मैं आई हूँ जस्ट अभी अभी, तो खाना नहाने के बाद खाना खा के फिर उसके बाद फ्री होके तब मैं आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे तब तक मैं खाना वगैरह लगा दूँगी। अभी बाहर मशीन लगी हुई है तो वो मैं देखने गई हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगाई थी आज, कपड़े धोने थे बहुत सारे, तो वही मैं देखने गई थी बार बार के, चेक कर रही थी कि वो हो गई है, कपड़े हो गए या नहीं हुए अभी। और आज मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि पता नहीं 2 या 3 दिन हो गए मेरे को बैक पेन होते हुए, क्योंकि मेरे 2 सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, तो हो सकता है उसकी वजह से बैक पेन वगैरह हो रहा हो। तो अभी देखते हैं, बाकी का काम मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पर। तो इतना तो हो ही चुका है कि खाना वगैरह बन चुका है और कपड़े मशीन में लग रहे हैं, मशीन बंद हो जाएगी तो कपड़े मेरे को सुखाने हैं, बाहर डालने हैं सूखने के लिए। तो खाना वगैरह मैं लगा दूँगी तब तक। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर मैं आ चुकी हूँ, कब मशीन बंद हो चुकी है, तो कपड़े वगैरह मैं डालूँगी अभी मशीन पर, उस पर जस्ट सुखाने के लिए। Thank you.
वगैरह डालने के बाद मैं आपसे वो बात बताऊंगी जो बात मैं आपसे सुबह से करना चाह रही हूँ, तो वो बात मैं आपको पक्का अभी इस कपड़े वगैरह सुखा देती हूँ, उसके बाद में मैं पक्का वो आपसे वो बात करनी है मुझे अभी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए सूखने के लिए, दोपहर में सूख जाएंगे, शाम को मेरे को प्रेस करनी है इनकी, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्रेस भी है इसके पापा की, तो शाम को मैं उसकी आयरन करके प्रेस करके फिर रख दूँगी। तो अब वो बात मैं आपसे कर लेती हूँ जिसको मैं करना चाहती हूँ अभी। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने सुखा दिए हैं, अदिति और उसके पापा हैं अंदर, और अभी ने अदिति को लेने जाना है मुझे, आज आईब्रो भी मेरे को थ्रेड करना है, तो मैं घर पे ही करूँगी, अपने आप ही करती हूँ मैं हर बार, मैं किसी से नहीं करवाने जाती बाहर। और दूसरी बात, आज एक बहुत खुशी की बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी एक्चुअली मेरे भैया का एक एग्ज़ाम में सलेक्शन हो चुका है, तो उसका मतलब रिजल्ट आया था कल, उसका सिलेक्शन हो गया, अच्छे खासे नंबर उसके बैठ रहे हैं। अब एक इंटरव्यू मतलब एक टाइपिंग बच रही है उसकी, तो वो करने के बाद में उसका जॉब लग जाएगा, तो मेरे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, और आप लोग को भी खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और प्रेयर करना कि उसका नेक्स्ट जो पेपर है वो अच्छा हो जाए बहुत, तो वो जॉब लग जाए जल्दी से। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ, अभी कपड़े वगैरह सुखा दिए, खाना हो गया, बर्तन झाड़ू सब कुछ हो चुका है, फ्री हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। और नन्नू और उसके पापा सो चुके हैं दोनों, और मैं बनाऊंगी आईब्रो अपनी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से बनाई नहीं है, तो बहुत गंदी हो रही है, जब प्रोग्राम में घर गए थे तभी मैंने बनाई थी, उसके बाद बनाई नहीं है, तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मैं अपने आप बनाती हूँ, बाहर बैठी हूँ इस टाइम में, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू पोछा हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा सा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अंदर अगर मैं बनाऊँगी तो उनको आवाज़ होगी और डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर ही बना लेती हूँ, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन अपनी आईब्रो घर पे बनाता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर से ज़रूर बताना, किस किस को पार्लर वाली जो आईब्रो होती है वो पसंद नहीं आती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बनवाई है, तो वो क्या करती हैं कि मुझे जैसा बनाना होता है वैसे बिल्कुल नहीं बनाती, मैं वो मेरे से पूछ लेती है कि दी कैसी बनानी है, बट वो बनाती उनके हिसाब से ही है, अगर अपने बोलेंगे कि पतली बनानी तो वो लोग मोटी कर देते हैं, मोटी के लिए बोलेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा पतली कर देते हैं, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अपने फेस के हिसाब से मोटी आईब्रो ज़्यादा पसंद होती है, तो मैं खुद अपने आप बनाना पसंद करती हूँ, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ जिस दिन मुझे टाइम मिलता है, उस दिन बच्चे सो रहे होते हैं उसी दिन, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा मेरा खुद के हिसाब से आईब्रो भी बन जाती है, और थोड़ा सा टाइम क्या होता है कि मुझे निकालना पड़ता है आईब्रो बनाने में, खुद के आईब्रो बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट जब कभी भी मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मैं जरूर जरूर अपनी आईब्रो बनाने की कोशिश करती हूँ, महीने भर में या फिर 15-20 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, पर मैं खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, मैं कभी नहीं बनवाती, बहुत कम बनवाती हूँ पार्लर पर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे पेड़ वगैरह कितने अच्छे हो गए, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं सब में, अच्छे अच्छे से फ्लावर आने लग गए इनमें, बहुत बड़े बड़े वाले आपको मैं दिखाऊंगी कल के जो ब्लॉग है उसमें, नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका आधा जो पार्ट है वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि ये पार्ट, ये जो ब्लॉग है ना आज, ये इससे अगर मैं इसमें ऐड करूँगी शाम वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने वाला है, और आपके लिए वो भी बहुत अच्छा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो आएगा, उसको ज़रूर ज़रूर देखिएगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो वाला, तो देखना ज़रूर आप, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि मेरा घर पे आईब्रो बनाना किस किस को अच्छा लगता है, और कौन कौन अपनी खुद की आईब्रो भी घर पे बनाना पसंद करता है ज़्यादा से ज़्यादा। बैठते हैं ना तो बहुत अच्छी हवा भी लगती है, और चारों बगल से कपड़े वगैरह सूखे हुए हैं तो उनसे क्या धूप वगैरह आती नहीं है इतना, और पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो काफ़ी ठंडक सी और काफ़ी अच्छा हवा, मतलब सब कुछ आप ले सकते हो बाहर बैठ के, तो बाहर बैठना इस टाइम में ज़्यादा पसंद करती हूँ अगर धूप वगैरह ज़्यादा नहीं होती है तो, और साथ के साथ मेरी आईब्रो भी बन जाती है, हवा का हवा फ्रेश हवा जो होती है उसको भी मैं इंजॉय करती हूँ बैठ के वहाँ पर। यहाँ पर मेरी आईब्रो हो चुकी है कम्प्लीट, कैची से कट करके उसके बाद में मेरी आईब्रो बिल्कुल रेडी एंड स्टेडी गो एंड पो हो जाएगी,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आईब्रो को जो एक्स्ट्रा हेयर निकले हुए हैं उनकी ग्रोथ को मैं इसे कट कर दूँगी सीजर की हेल्प से। और यहाँ पे मेरी आईब्रो बन चुकी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं यहीं पे बनाऊँ। अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी कहीं शादी वगैरह में जाना है और मैं घर पे बनाने के टाइम नहीं मिला तो ही मैं पार्लर में जाके बनवाती हूँ। अदिति अभी जस्ट स्कूल से आई है, उसको फीवर आ गया, पता नहीं फिर से कैसे, पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है हमसे। इस महीने तो सबकी टोटली सबकी तबीयत, इसके पापा की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, अदिति और नन्नू की खराब है। अदिति की सबसे पहले हुई थी, उसकी सही हो गई, फिर खराब हुई थी, फिर सही हो गई, अब उसकी वापस से तीसरी टाइम हो चुकी है खराब। और नन्नू की भी अभी थोड़ी कुछ ठीक तो नहीं है, बट उसका माता मैया निकली हुई थी तो वो अभी थोड़ी हल्की हल्की सी ठीक है। और इसके पापा ड्यूटी जा चुके हैं, मैंने जस्ट अभी अदिति स्कूल से आई है तो उसको कुछ खिलाया पिलाया है और उसको मैंने मेडिसिन वगैरह दे के उसको सुला दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और आज मैंने आईब्रो बनाई थी, जैसे कि आपको पता है अदिति स्कूल से नहीं आई थी उससे पहले, कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। और मैं घर पे बनाती हूँ, मैं कभी भी शॉप से बनवा के नहीं आती, क्योंकि मुझे उनकी जो बनाई हुई आईब्रो होती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कभी छोटी कभी बड़ी और कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ऐसा निकाल देती है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं घर पे ही अपना बनाती हूँ और ट्राई करती हूँ, मतलब मुझे आता है अपने हाथ से मैं बना लेती हूँ, कहने का मतलब। तो आप और मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि अदिति की तबीयत अब ख़राब है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। और ज़्यादा काम वगैरह आज मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि आप भी समझ सकते हो जब बच्चा अगर आपका बीमार है घर पे तो आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। इसी तरीके से मेरा भी कुछ काम वाम करने का मन नहीं कर रहा है अभी बिल्कुल भी। और मैं बाहर बैठी हुई हूँ, वो दोनों बहन अंदर सो रही हैं, मैं बाहर आ गई थी, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पर, फिर मैं देखती हूँ उनको। और अदिति ने कुछ खाया भी नहीं है। तो यहाँ पे नन्नू सोई है थोड़ी सी देर और ये जग चुकी है। मैं सोच रही थी कि नेल पेंट चेंज करूंगी और ये 5-10 मिनट सोई है ओनली। मैं सोच रही थी थोड़ा ज्यादा सोई भी तो मैं कुछ काम कर लूंगी, वैसे बर्तन वगैरह तो मैंने क्लीन कर दिया, पेड़ों में पानी डाल दिया बाहर, और सोच रही थी थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, पर अभी जग चुकी है तो अब नहीं बैठ सकती। अदिति अभी सो रही है और नेल पेंट चेंज करने की सोच रही थी, बट अभी जग चुकी है तो ये तो करने ही नहीं देगी कुछ भी। हाँ दीदी, नन्नू से हेलो। और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा मेरे से बन चुका है, तो मैंने इसका आधा जो पार्ट है वो नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें मैंने ऐड कर दूंगी, तो आप देखना ज़रूर। और वो वाला ब्लॉग आप ज़रूर ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लॉग है वो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर कर लीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।